सुशांत केस में नया अपडेट। ईडी के दफ्तर में रिया से घंटों पूछताछ। क्या कुछ बनी बात। रिया ने सौंपी ऑडिट की रिपोर्ट। सुशांत की बहन ने जताई खुशी। बिहार ने सौंपे सीबीआई को कागजात। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता के निधन को 2 महीने होने वाले हैं। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन लगातार इनके केस की गुत्थी उलझते जा रही है। वहीं इस केस में होने वाले रोज नए खुलासे से केस और भी पेचीदा हो रहा है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती को ईडी ने दफ्तर में बुलाया था। क्या कुछ हुआ, चलिए इस केस से जुड़े देते हैं आपको 5 बड़े अपडेट। ईडी की रिया से घंटों पूछताछ। शुक्रवार का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए काफी अहम था, क्योंकि सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती से 8 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ की। रिया से उनकी संपत्ति से लेकर उनके इनकम सोर्स के बारे में जानने की कोशिश की गई। रिया चक्रवर्ती ने ईडी को एक ऑडिट रिपोर्ट भी सौंपी है। उस रिपोर्ट के जरिए रिया ने अपने कार वाले फ्लैट के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने ईडी को जानकारी दी है कि उन्हें उस फ्लैट के लिए लोन कैसे मिला था। बता दें कि रिया पर सुशांत के अकाउंट से पैसों का हेर फेर करने का आरोप लगा है। हालांकि रिया ने इस केस पर कुछ सफाई भी दी है, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आया है। रिया के साथ भाई और मैनेजर भी मौजूद। रिया के अलावा ईडी दफ्तर में उनके भाई शौविक भी वहां मौजूद रहे थे। सुशांत केस में उन्हें भी एक अहम कड़ी माना जा रहा है। बताया गया था कि एक कंपनी में सुशांत संग शौविक भी हिस्सेदार थे। ऐसे में इस एंगल पर भी ईडी जांच कर सकती है। वहीं रिया और सुशांत दोनों के मैनेजर रही श्रुति मोदी का भी बयान दर्ज किया गया, लेकिन वो रिया से पहले ही दफ्तर से बाहर आ गई थी। उन्होंने बताया, मैंने अपना बयान दर्ज करा दिया है और अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी। शौविक की बैंक डिटेल्स आई सामने। जांच में शौविक के बैंक डिटेल्स को भी खंगाला गया और उनके खाते में सुशांत के खाते से कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि सुशांत के खाते से कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, लेकिन कई ट्रांजेक्शन साफ नजर आ रहा है। सुशांत के खाते से शौविक के खाते में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन 40,000 रुपए का 10 जून 2019 को किया गया। इसके अलावा इससे कम रुपए के कई ट्रांजेक्शन किए गए। वहीं बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने यह जानकारी दी कि वो अपना अकाउंट बंद करना चाहते थे। सुशांत केस पर 11 अगस्त को सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत केस में FIR रजिस्टर करने के बाद CBI ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिसमें पटना FIR को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए रिया चक्रवर्ती की याचिका में पक्षकार बनने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए कहा है और इस मामले पर अभी 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सुशांत की मौत की जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि किसी अनजान या संबंधित व्यक्ति के पास इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। परिवार के लोग इसकी जांच करवा रहे हैं। रिया की कॉल डिटेल्स आई सामने। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स सामने आई है। ये कॉल डिटेल्स पिछले 1 साल की है। इसके मुताबिक रिया ने पिछले 1 साल के दौरान फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को 16 बार कॉल किया था। मालूम हो कि सुशांत की मौत के बाद रिया की महेश भट्ट संग कई तस्वीरें सामने आई थी, जिन्हें लेकर एक्ट्रेस और महेश भट्ट दोनों को ट्रोल किया गया था। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।